लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं और इनमें नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई है। यहां करीब करीब सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया गया है। हालांकि एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसे देखकर कांग्रेस सहित विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी दल खुश हो जाएंगे। यहां एग्जिट पोल हिंदी अखबार और वेबसाइट देशबंधु ने करवाया है, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। देशबंधु समाचार के YouTube चैनल DB लाइव पर दिखाए गए एग्जिट पोल में कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन को 260 से 295 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 215 से 245 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि 24 से 48 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की बात कही गई है। अगर राज्यवार अनुमानों पर नजर डालें तो विपक्षी इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में इंडिया गठबंधन 24 से 26 सीटें जीत सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 14 से 16 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महाराष्ट्र में पिछली बार 41 सीटें जीतने वाले बीजेपी नीत एनडीए के इस बार महज 18 से 20 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। वहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के गठबंधन को 28 से 30 मिलने की बात कही गई है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में पिछली दो बार से बड़ा रोल निभाने वाले राज्य यूपी में इस बार कमल का फूल मुरझाया दिखाई दे रहा है। यहां एनडीए को केवल 46 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 32 से 34 सीटें जाने का दावा किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को थोड़ा नुकसान के साथ 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 26 से 28 सीटों पर ममता बनर्जी की TMC की जीत का दावा किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक और केरल में भी कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन का अनुमान जताया गया है। केरल की कुल 20 सीटों में से कांग्रेस नीत UDF के खाते में 16 से 18 सीटें, वहीं सत्ताधारी वाम गठबंधन को 2 से 3 सीटें, जबकि बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में 18 से 20 सीटें जाने का दावा किया गया है, जबकि बीजेपी को यहां 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। दूसरे एग्जिट पोल्स के बारे में बात करें तो ABP न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार देश भर की 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 353 से 383 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 152 से 182 सीटों पर और अन्य 4 से 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जन के बाद एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं। इस एग्जिट पोल में एनडीए के खाते में 10 से 20 सीटें जा सकती हैं। वहीं न्यूज नेशन के एग्जिट पोल की माने तो एनडीए 342 से 378 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन 153 से 169 सीटों पर तो अन्य 21 से 23 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए 361 से 401 सीटों पर कब्जा कर सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन 131 से 166 सीटों पर और अन्य 8 से 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। तो कुल मिलाकर डीबी लाइव ने एकमात्र ऐसा एग्जिट पोल जारी किया है जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन को 255 से 290 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इस एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 207 से 241 सीटों पर तो अन्य को 29 से 51 सीटों पर जीत मिल सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।